आदि के सनातन के गौरी नारायण ही नमोस्ते। जय श्री राम। साथियों नमस्कार। साथियों, इसलो जय किराया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि मतलब आपने पहले वीडियो में चर्चा किया था कि दिनांक 6 अप्रैल 2023 को लगभग 10:59 पर 11 समझ लीजिए शुक्र ग्रह जो वाहन के दाता हैं, विलासता के दाता हैं, स्त्री सुख के प्रदाता हैं, जीवन में आमोद प्रमोद जो हम इंटरटेनमेंट करते हैं, इस सभी शुक्र के वजह से होता है। अगर शुक्र अनुकूल है तो ये सब चीज़ें प्राप्त होंगी, शुक्र अगर प्रतिकूल हो गया तो इन चीज़ों से वंचित हो जाते हैं। तो वह शुक्र ग्रह जो है 6 अप्रैल 2023 को लगभग 11 बजे वृष राशि में अथवा उनके अपने घर में जाते हैं। साथ ही वृष और तुला शुक्र की स्वयं राशि होती है, तो वृष राशि में उनका गोचर भ्रमण होगा। तो उस वृष राशि गोचर भ्रमण से किसको किसको क्या लाभ मिल रहे हैं, इस सब मैंने आपको छोटी छोटी बातों में वीडियो में बता रहा हूँ। इस वीडियो में बताऊंगा कि मीन राशि पर उनका गोचर भ्रमण में क्या लाभ मिलने वाला है। यदि आप हमारे चैनल प्रथम बार उपस्थित हुए तो हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल बेल आइकन घंटी प्रेस कर लें, जिससे आपको नई नई बातें पता चल सके। तो साथियों, जैसे चर्चा किया हमने, मीन राशि पर शुक्र का गोचर क्या मिलेगा, क्या फल देने वाला है। तो साथियों, धन प्राप्त होगा, स्त्री सुख प्राप्त होगा, समाज में सम्मान प्राप्त होगा, धन के कई स्रोत बनेंगे, स्त्री से अच्छे संबंध बनेंगे, प्रेम का वातावरण रहेगा, मन में प्रसन्नता रहेगी, आह्लाद रहेगा, नित नए नए उड़ान भरेंगे, अच्छी योजनाएं बनाएंगे, अच्छी योजनाएं धन कमाने के लिए, स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए, समाज में सम्मान पाने के लिए। मतलब इस दौरान में कुल मिलाकर के मीन राशि की जो स्वामी गुरु हैं और उनके जो साथियों गुरु देवताओं के, जो मीन राशि के स्वामी जो गुरु होते हैं, देवताओं के मंत्री हैं, गुरु के राजगुरु हैं, और ये शुक्र ग्रह जो है राक्षसों के गुरु हैं, लेकिन फिर भी ये मीन राशि के लोगों को, मतलब उनकी दृष्टि की वजह से ये और स्थिति की वजह से जो मीन राशि के जातक हैं, शुक्र गुरु को अच्छे फल देने वाले हैं। मतलब कुल मिला के मीन राशि वालों का समय बहुत अनुकूल रहेगा, उत्तम भोजन, उत्तम सुख अपने पुरुषार्थ में, बॉडी लैंग्वेज में, इस सब में चेंजिंग होने का आसार है, सुख मिलेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा और मन प्रसन्न रहेगा। और साथियों, इस दौरान स्त्री, मैंने चर्चा किया, स्त्री सुख तो मिलेगा ही, जो मित्र हैं, संबंधी हैं, ये भी आपको भरपूर सहायता करेंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो साथियों, मैंने आपको यह एक छोटी जानकारी आपको दिया, आशा आपको बात अच्छी लगी होगी। और आपने हमारे चैनल का तब सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नई नई बातें समय से पता चलती रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।